स्वागत है आपका द प्रिंट में। और आज हमारे साथ हैं शांभवी चौधरी, एलजीपी की समस्तीपुर से कैंडिडेट। शांभवी, हम सब जानते हैं कि आप अशोक चौधरी की बेटी हैं, ये एक पहचान आपकी बार बार सामने आ रही है, उसके पहले आप क्या हैं? आई थिंक आई विल से कि बहुत ही एक साधारण लड़की है हम। हमने अपनी पढ़ाई की थी पटना से, नॉट डेम अकेडमी से, एक मिशनरी स्कूल में हम पढ़े थे। फिर हमने अपना अंडर ग्रेजुएशन लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। फिर हमने अपने मास्टर्स किए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, और अभी अपना PhD परस्यू कर रहे हैं। अदर देन दैट हम काफ़ी नॉर्मल लड़की जैसे अपना पढ़ाई वढ़ाई कम्प्लीट करके स्कूल में डायरेक्टर के रोल में थे, ज्ञानिकेतन गर्ल्स स्कूल में डायरेक्टर निर्देशक का काम करते थे हम। और ये आई थिंक डेढ़ दो साल के लिए निर्देशिका के रोल में। पॉलिटिक्स में कैसे आए? देखिए, हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो राजनीति में रुचि हमारी शुरू से ही थी। हम शुरू से ही उसी माहौल में पले बड़े हैं, तो एक कह सकते कि नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो हमने हमेशा सोचा था कि हम राजनीति करेंगे, बट या इतने जल्दी एक पॉलिटिकल ब्रेक मिलेगा ये हमने नहीं सोचा था। आपके जो पापा हैं वो बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो GDU से क्यों नहीं, आप LGP से सांसद क्यों बनना चाहती हैं? क्या मतलब व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन, थोड़ा समझाइए हमें डिटेल में कि क्या हुआ था। आपने GDU से टिकट परस्यू किया, वो नहीं हो पाया, तब आप LGP की तरफ गई, क्या हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम मानते कि हम क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से भी आते, तो हमें पता है कि राजनीति में हर फैसले इंडिपेंडेंट होते हैं। आपकी राजनीति किसी और की राजनीति से अलग हो सकती है, परिवार में रह के भी अलग हो सकती है। और LGP हमने इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसका सोल रीज़न एक लौता है कि हम चिराग भैया से बहुत ही प्रभावित रहते हैं। एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि गिवन है कि कोई भी युवा दूसरे युवा से ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा युवाओं का जो सोच होता है उससे प्रभावित होता है। और चिराग भैया से भी हम इसीलिए बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित रहते थे। पिछले कुछ वर्ष से मेरा उनका एक व्यक्तिगत संबंध भी था, सायन के मेरे जो पति हैं सायन, उनके वो बहुत अच्छे मित्र थे हम लोग के जीवन में। वो एक बड़े भाई की भूमिका निभाते थे, जब हम कॉलेज में थे, दिल्ली में थे, तब भी उनसे हमारा मिलना जुलना रहता था। तो आप कह सकते कि और हम कभी राजनीति बात नहीं करते थे, मतलब क्योंकि व्यक्तिगत संबंध से मेरा ये कि एक अच्छा रिश्ता था जिसमें हमेशा हम लोग राजनीति के बारे में नहीं बात करते थे। पर हाँ, जब चुनाव का ऐलान हुआ, हमने अपनी इच्छा प्रकट की कि चिराग भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चिराग भैया ने पूछा कि अच्छा, फिर उन्होंने उस पर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है समस्तीपुर। अपने व्यक्तिगत संबंध की बात की, चिराग भैया की बात की, अपने इंस्पिरेशन की बात की, लेकिन कई सारे इल्ज़ाम जो आपके साथ लगातार चल रहे हैं, LGP के कई सारे नेता जिस दिन आपको टिकट का अनाउंसमेंट हुआ उसके अगले दिन रिजाइन करते हैं, पटना में ऐसी बात चलती है कि पैसे का लेन देन हुआ था, आप कैसे जवाब देती हैं इसको और कैसे इसको चैलेंज कर रही हैं? देखिए, हम मानते हैं कि काफ़ी थोड़ा बहुत जो चैटर होता है और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल न्यूसेंस होता है, वो सबको इग्नोर कर देने में ही भलाई है। नेचुरल है कि बहुत सारे लोग पार्टी में थे जिनको टिकट चाहिए थी, अगर उनको कोई भी रीज़न से नहीं मिल पाया टिकट, तो उनका निराश होना या उनके दिल को पीड़ा पहुँचना बहुत ही नेचुरल है। और इसमें अगर वो पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमको लगता है कि सब लोग कहते हैं कि राजनीति में है उनका कुछ अच्छा चीज़ होता है राजनीति में रहने का, कुछ बुरा, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। सो ये सारे ऐसा वो क्यों किए, क्या किए और क्या हल्ला किए, ये सब नहीं होता है। जिनको टिकट नहीं मिला वो कुछ ना कुछ किए। समस्तीपुर जो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये NDA का ऐसा गढ़ माना जाता है, यहाँ से जनरली NDA नहीं हारती है, लेकिन इस बार कॉन्टेस्ट दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो आपके अपोनेंट है सन्नी हजारी, वो भी आपके जैसे ही एक मिनिस्टर के बेटे हैं और उनके जो पिता हैं उनका यहाँ पे बहुत आपके ही समाज में, मतलब जो LGP का जो बेस समाज है, पासवान समाज, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ मानी जाती है, तो कितना चैलेंज मानती हैं आप इनको? देखिए, हम इसको बिल्कुल भी एक चैलेंज नहीं मानते, बिकॉज एक चीज़ तो है कि ये वाला जो फुल आइडिया होता है कि वो पासवान है या फिर जो भी है, कोर वोटर्स को जो एक्चुअली फील्ड में जो आपके कोर वोटर्स हैं उनको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो उनको देखते हैं जो उनके, ये जैसे लोकसभा है उनको प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, जो फील्ड पे वोटर्स हैं वो प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री वापस देखना चाहते हैं, पुनः प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। और JDU का जहाँ तक बात है, तो JDU के नेता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री
नीतीश कुमार जी हैं और जेडीयू के जितने भी लोग हैं वो नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानते हैं, वो किसी और को अपना नेता नहीं मानते। तो हमको ये मानते हैं कि वो जेडीयू के वोटर्स भी इंटैक्ट हैं और जेडीयू के तमाम नेता जितने भी हैं वो इंटैक्ट हैं। और जहाँ तक आप पासवान का बात करें तो पासवान के लीडर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ही हैं और हम लोग एवरी डे पिछले 20 दिन से हम फील्ड में रहते हैं, 14-15 घंटे हम जनसंपर्क में रहते हैं। अभी हम अपना आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हम लोगों से मिलते हैं। एक दिन में आप कह सकते हैं कि हम सैकड़ों हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमको कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि जो NDA का जो काम है और NDA के का जो पिछले 10 दशक में काम रहा है उससे कोई भी निराश है और वो अभी भी NDA की सरकार ही चाहते हैं। एक बात मुझे समझाइए कि 2020 में LJP और JDU में जिसको कहते हैं कि बहुत सारा बैड ब्लड हुआ, मतलब LJP ने कैंडिडेट उतारे, JDU को नुकसान हुआ, नीतीश कुमार NDA से बाहर चले गए, अभी वो वापस आ गए, LJP ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया। चिराग का इंटरव्यू आया था कि मैं पॉलिटिकली मैच्योरिटी से एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चुनना है। लेकिन ग्राउंड पे आपको लगता है कि काडर लेवल पे LJP और JDU के जो वर्कर्स हैं उनमें वैसा ही एक तरीके से कंसेंसस बन पाया है? देखिए, अभी आपको हम बताएं कि हम 20-22 दिन से फील्ड पे हैं और हर विधानसभा में, इनफैक्ट हर प्रखंड में हम NDA की बैठक करते हैं और NDA के तमाम जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, हम सबसे मिलते हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि JDU और LJP साथ में नहीं है और उनों के बीच में टकरार है। वो सारे हमारे साथ घूमते हैं, सब हमारे साथ दिन दिन भर रहते हैं। तो ये वाला एक बता रहे कि ये एक विपक्ष का नैरेटिव सेट करने का कोशिश हो रहा है, पर एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम ये मानते हैं कि जब NDA के तमाम जितने भी पार्टीज़ हैं, जो NDA का घटक दल है, वो अपने एक राष्ट्र गोल, जो राष्ट्र उद्देश्य है, उसकी तरफ अग्रसर है, तो सबसे पहले हमको लगता है कि राष्ट्र हित आता है, प्रदेश हित आता है, फिर आप जिस राजनीतिक घटक दल को बिलोंग करते हैं उसका हित आता है और उसके बाद कोई व्यक्तिगत संबंध आता है। ये सारे नेता मानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात क्या मैसेज है उनका? नहीं, वो बहुत खुश थे, वो बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी शो किया। इनफैक्ट जिस दिन हमको मेरा टिकट अनाउंस हुआ था, उसके अगले दिन ही हम जाके उनसे उनका आशीर्वाद लिए, हम उनसे मिले और वो अपनी यहाँ पे वो अपना सभा भी करेंगे NDA के पक्ष के लिए, यहाँ पे हमारे हित में वो वोट अपील भी करेंगे लोगों से। और वो उनका, मतलब मेरे पिताजी का उनसे लगातार हर 2 दिन बात होता रहता है, वो हालचाल भी लेते रहते हैं और वो बहुत एक्टिवली अभी इन्वॉल्व है। हम मानते हैं कि वो पूरा टाइम समस्तीपुर में नहीं दे सकते, अभी उनको बाकी जगह भी जाना है, पर हाँ वो हर समय जैसे एक होता ना अपना प्रेजेंस शो करते, वो फ़ोन करके पूछते हैं क्या करने की आवश्यकता है, पार्टी के को हम किस तरह से आगे लेकर के जा सकते हैं, कहीं पार्टी की वजह से कोई अगर प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत आ रही हो तो वो भी है, वो पूछते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके मन में कुछ बात हो, वो पूरा वो तो हम मानते हैं कि NDA के जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता, सब हमें अपनी बेटी की तरह मानते हैं और बिल्कुल वैसा ही आदर और सम्मान दे रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, आपके जो पिछले कैंडिडेट थे जो LJP से यहाँ पे लड़े और सांसद भी बने, उनसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है लोगों में, बहुत एंटी इनकम्बेंसी है LJP और जो प्रीवियस इनकम्बेंट थे उनके लिए। आप भी यंग फेस हैं, आप क्या मॉडल प्रेजेंट कर रही हैं? कोई 3 काम जो आप सोच के रखी हैं कि अगर मैं सांसद बनी तो सबसे पहले करूँगी? देखिए, सबसे पहला कंप्लेन लोगों का यही है कि उनका जो प्रतिनिधि है वो उनके बीच में नहीं रहते हैं या फिर वो उनको दिखते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने घर से ही बात करें, चुनाव के पहले ही हमने यहाँ पे घर ले लिया है ताकि हम लोग को विश्वास दिला सकें कि हम उनके बीच में रहना चाहते हैं। उसके बाद सारे लोगों के बीच पे रहने का एक और ये मकसद है कि हर ब्लॉक में हम एक ऑफिस भी खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे गरीबी मतदाता होते हैं, गरीब होते हैं, वो शायद समस्तीपुर तक नहीं पहुंच पाए या शायद वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए हमको यहाँ पे हर ब्लॉक में, जब अभी मेरा इलेक्शन स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग ब्लॉक वाइज अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो जो ब्लॉक ऑफिसेज है वो ब्लॉक ऑफिसेज चलती रहेंगी और जितने लोग अभी उनके संपर्क में वो वहीं पर हम लोकल लोगों को उनके संपर्क में डाले हुए, तो वो लोकल लोग यहाँ पर रहेंगे, उनके बीच में रहेंगे और वो ऑफिस चलता रहेगा। ये है उनका जो एक डाउट होता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं रहेगा, उसके लिए ये हमने सोचा कि नहीं, हर ब्लॉक में एक ऑफिस रहना चाहिए। उसके बाद हमारा मेन फोकस है कि हम युवाओं के रोज़गार के लिए और स्वरोज़गार के लिए काम करें, समस्तीपुर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज लाने का कोशिश करें ताकि एम्प्लॉयमेंट को हम टारगेट कर सकें, हमें समस्तीपुर के कनेक्टिविटी के लिए काम। एम्प्लॉयमेंट को मुद्दा मान रही हैं इस बार?
देखिए, युवा है तो नेचुरली आज नहीं तो कल एम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम बन सकता है. और हमको ये लगता है कि एवरी ईयर जब लोग डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं. समस्तीपुर में इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट का थोड़ा कमी है, तो हमको उस चीज़ को टारगेट करना है. यहाँ पर बड़ी बड़ी, हम मानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये किया जा सकता है. यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ला दिए जा सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी एक यू नो एम्प्लॉयमेंट का जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वो भी टैकल हो सकता है. महिलाओं के लिए हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना है ताकि वो टेक्निकल कोर्सेज में ट्रेन कर सके. हमारे पास समय कम है और हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है. महिलाओं के लिए बेस्ट होता है कि वो अगर टेक्निकल कोर्स करके ग्रेजुएट करती है तो उनका एम्प्लॉयमेंट का चांसेस बढ़ जाता है. वो एक है. यहाँ पे लोग हमेशा बात करते हैं ग्रामीण विकास की, तो ग्रामीण विकास तो हमें करना ही करना है, साथ में हमें शहर का भी विकास करना है. इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी के लिए भी हमें काम करना है. सड़क का काम है, पुल का काम है, ये सारा चीज़ हमें करना है. बहुत सारे यहाँ पे किसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान को किसान सम्मान निधि से, फसल बीमा योजना से हमें उनको जोड़ना है. यहाँ पे युवा हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खोलना चाहते हैं, उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुद्रा लोन, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मुद्रा लोन से कनेक्ट करना है. तो हमें लगता है कि हम ये मानते हैं कि पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभार्थी तक पहुँचाना है और बस समस्तीपुर के विकास के लिए लगातार काम करते रहना है. धन्यवाद द प्रिंट से बात करने के लिए. थैंक यू.